ये तो दिन में आने के लायक है ये पूरा। दिया ने ना नेहा कक्कड़ की आंखों से पहचाना। आज एकादशी का फास्ट है। वैसे तो मैं जाती, हमारे पति देव शर्मा जी कहते थे जिस दिन फास्ट होता है उस दिन बॉडी और माइंड को रिलैक्स देना चाहिए। मैं तो ट्रैक करने भी गई थी लेकिन फिर वहाँ पे फास्ट नहीं रख पाए क्योंकि एक बार गोमुख का किया था, काली माता केस में गई थी तब भी था, तो आज घर पे हैं तो वॉक करने नहीं गई। MBA मोमोज वाला है कोई, तो आज फास्ट है, मैं तो खा नहीं पाऊँगी, अच्छा है उसी को खिलाऊँगी तो वहाँ ले जाऊँगी। कभी कभी ना मानसिक शांति ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज से भी रिलैक्स लेना चाहिए। जैसे मेरे को आदत थी एक्सरसाइज करने की ज़्यादा, उस टाइम मैं करती रहती थी तो मेरे को बोलते थे मेंटली रिलैक्स, कभी कभी मैं दिमाग को रिलैक्स कर ले, एक्सरसाइज छोड़ दे। तो आज वही किया है, छोड़ दिया दिमाग में से एक्सरसाइज को, मैंने कहा आज रिलैक्स करते हैं। इनमें मैं 2 बार पानी डाल रही हूँ और फिर हालत देख लो, ये सुबह भी डाला था शाम को भी, क्योंकि यहाँ धूप तेज पड़ती है ना इधर से, और वो वाला पता नहीं मुझे कैसे सूख गया तुलसी का पेड़ मेरा। जब से ये उगने लगे हैं ना पता नहीं कहाँ से घास ही कबूतर ले आते हैं और तब से फिर ये भी काम हो गया ख़राब। आज यही ध्यान कर लेते हैं अपने पेड़ पौधों का। ये मम्मी का लगाया हुआ पेड़ था, कितना बड़ा हो गया, इसको सहारा देना पड़ रहा, अब यहाँ से इसको ये बांधना भी पड़ेगा, क्योंकि घर में रह के बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब बन जाएगा ये, अब इनमें खाद की भी ज़रूरत है ना। ठीक हो गया, ये देख ये देखो, फिलहाल तो ऐसे टाक दिया ये सीढ़ी, उसके बिना नहीं होगा। ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए तरबूज खाएं, लिक्विड फूड खाएं। इतना बढ़िया निकला है ना, अभी हल्का सा है रेडिश पर फिर भी बहुत अच्छा है, हल्का मतलब थोड़ा सा कम है। और हमेशा सीज़न के फ्रूट खाने चाहिए, जो सीज़न में सस्ता होगा, जैसे पपीता भी बहुत बढ़िया मिला है, आज बहुत अच्छा मिला है, नहीं तो पपीता अच्छा नहीं मिलता था यहाँ पे। सुबह सुबह हेल्दी फूड के साथ गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, हेल्दी फूड के साथ हमारे घर में ग्वालियर से अभी भैया और सपना गए थे तो पुनीत भैया ने, ये देखो गुलाब जामुन और ये लड्डू, ये भी भिजवा दिए, मतलब मोटा करने में आपका हाथ भी बराबर है। थैंक यू भैया, आज खाए नहीं है क्योंकि आज फास्ट है। दिया एक गुलाब जामुन ले जा चुकी है इसमें से निकाल के, तो इसी हेल्दी तरबूज के साथ गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ हेल्दी हेल्दी फूड खा रहे होंगे। और दिया को मैं इवनिंग में लेके जाऊंगी मोमोज खिलाने, क्योंकि अभी गर्मी है और ज़्यादातर इवनिंग में ही लगती हैं ऐसी स्टॉल जो लगती हैं, और मोमोज MBA वाले हैं वो, तो जाके पता करेंगे क्या खास बात है उनके अंदर ऐसे कि MBA मोमोज वाले क्यों नाम रखा उन्होंने। कल कहीं जा ही नहीं पाए, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, कंप्यूटर में कुछ हो गया, लैपटॉप में कुछ हो गया था, मतलब ये प्रॉब्लम चलती रहती हैं, तो कल जा ही नहीं पाए फास्ट वाले दिन। तो आज आपको लेके जा रही हूँ फूड ब्लॉग के लिए, दिखाती हूँ VJ's, वहाँ नहीं जा रहे जहाँ की मैं बोल रही थी MBA, क्योंकि मैंने पता किया वो इतने ज़्यादा टेस्टी है, सिर्फ नाम ही उनका ऐसा है। तो अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूले की साइड, चलते हैं फिर लेके एक बार आपको। आजकल बिना पंखे के भी थोड़ा मौसम ठीक हो गया, गर्मी दिन में हो जाती है फिर बूंदाबांदी होके फिर मौसम वैसा हो जाता है बढ़िया। हवा देखिए, ओहो इस टाइम तो जीसा आ रहा है, जीसा और ऊपर चंद्रमा। आज जबरदस्त आंधी चल रही है, ये सारे जो 2-4 बादल बने थे ना इनको उड़ा के ले जाएगी, बस दुश्मनी है इनको। बहुत जबरदस्त जाम लगा हुआ, अगर मैं गाड़ी से आते ना तो हमें यहाँ जगह नहीं मिलती। यहाँ पे भी अब इतना जाम लगने लगा है कि बाइक ना बीच में खड़ी होती है तो ये जाम देखो हालात। ये है VJ's, ये होटल, ये गेस्ट हाउस है और ये आगे ये होटल MS गेस्ट हाउस के बिल्कुल साथ में पड़ेगा, ये अंदर जाके मैं पैदा। यहाँ पे पिज़्ज़ा भी अच्छा मिलता है, दिन में गढ़वाली फूड भी अच्छा मिलता है और रात को जो है वो है इंडियन फूड भी अच्छा मिलता है। ये
वाओ, यहाँ से देखिए, मेरे को तो पता नहीं था कि यहाँ से गंगा जी का व्यू दिखता है एकदम से ना। ये देखिए राम झूला पूरा दिख रहा है यहाँ से। ये तो दिन में आने के लायक है ये पूरा। रात को देखिए कैसे लाइटिंग है ना, कितना सुंदर नज़ारा। ये भी आप पिज़्ज़ा इसमें बनाते हैं? स्पेशल आपका पिज़्ज़ा है या कुछ इंडियन फूड भी अच्छा होता है? अच्छा, बेस्ट इनका पिज़्ज़ा ही बता रहे हैं, और पिज़्ज़ा तो दिया का फेवरेट है। कह रहे कि खाना भी, खाने में दो चार आइटम है ना। लेट हो गए, नहीं तो वहाँ वाला व्यू अच्छा रहता है ना, गंगा जी के पास वाला एकदम। और पास आ गए गंगा जी के, पीछे जस्ट वो है, और हवा बड़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि गंगा जी का किनारा है ना। और सामने से देखिए राम झूले दिख रहा, राम झूला दिख रहा है। जहाँ तक यहाँ पे दिया की तरह पिज़्ज़ा खाने वाले बैठे हैं, बच्चे हैं उधर भी, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। थोड़ी सी इनकी सर्विस स्लो है, ऑर्डर लेने में ही आए अभी। हमें फाइनली गंगा जी के सामने वाला वो मिल गया है। दिया तेरे को वो भी पीना है क्या? हाँ। लाइम सोडा वगैरह सब पी, घर जाके पी लियो ना। नज़ारा देखिए रात का, भैया ने एक ने पहचान लिया मुझे, कह रहे भाभी जी आपको मैं जानता हूँ। उनका अच्छा जी दिन में आते तो और अच्छा, पर गर्मी होती है, अभी गर्मियों का टाइम है ना, इसलिए हमने, हम अंदर आ गए हैं गंगोत्री यमुनोत्री, क्योंकि बाहर ना बहुत डस्ट आ रही है मुँह पे, है ना दिया, मिट्टी मिट्टी जा रही थी, तो इसलिए हम बाहर यहाँ आ गए। क्या है बेरी मोहितो ब्लू ब्लू लगू तो बेरी मोहितो और ब्लू लगू, पता नहीं क्या कैसे नाम है। इसको इंस्टाग्राम पे डालने थे, देखो आपका भी टेस्ट कर दिया इसने। चैटिंग करती है, टेस्टी है। नेहा कक्कड़ जी आई हैं, लेकिन हम ले नहीं सकते उनको। अगर नेहा कक्कड़ यहाँ पे आई हुई है तो समझो ये अच्छा है। अंदर कोने में मास्क लगा के बैठी ताकि कोई पहचान ना ले। दिया ने पहचाना, दिया कह रही वो लड़की गई तो दिया कह रही कि मम्मी ये नेहा कक्कड़ लग रही है। अरे मेरा तो टेस्ट कर लिया था, मेरे को भी टेस्ट करा दे। वाइट सॉस पास्ता पड़ गया। मैं भी दिया को देख के बोल रही थी कि नेहा कक्कड़ ना दिया जितनी है। हाँ बहुत छोटी सी थी, एकदम बच्ची जैसी, तभी वो पहचानने में नहीं आई। स्मोकी फ्लेवर आ रहा, बहुत टेस्टी है पास्ता, बहुत अच्छा पास्ता है इनका। ये यहाँ का बेस्ट पिज़्ज़ा है, ओर्तोलाना, क्योंकि मैंने इनको बोला था जो आपका बेस्ट पिज़्ज़ा हो वो ले आना, तो ये ओर्तोलाना। दिया ने ना नेहा कक्कड़ की आंखों से पहचाना है ना कि वो नेहा कक्कड़ है। हम तो बहुत तेज़ ऑब्जर्व करती है, नहीं तो अंधेरा है इसमें। और पिज़्ज़ा भी देखिए, बेस भी खुद ही बना रहे हैं। इनका ना गढ़वाली खाना बहुत अच्छा है, मेरे को, मैं गढ़वाली खाना खाने आई थी, मैंने कहा इसको पिज़्ज़ा खिला दूँगी। ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा टेस्ट है ना इसका, लेकिन गढ़वाली खाना बेस्ट है इनका, वो दोपहर में मिलता है। भैया कह रहे हैं जैसे पिज़्ज़ा फेमस है ऐसा इनकी गढ़वाली थाली फेमस है। मैंने सुनी थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टाइम लंच में मिल पाएगा। शाम के टाइम हो जाती है जो ये मैसअप हो, आज बहुत ज़्यादा रश है ना। नहीं रश नहीं था, ये तूफान की वजह से ना मैसअप हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई टेबल कहीं चली गई, कोई टेबल कहीं चली, मतलब हाँ में ज़्यादा हो गया। अच्छा आपका खाना किसी और टेबल में चला, किसी और का खाना किसी और टेबल में, लड़के हैं नए सर्विस। हाँ जी हाँ जी, ये थोड़ा हुआ थोड़ा इस वजह से। अच्छा बना देता और वो है बहुत मतलब यूनिक चीज़ है, एक फ्रेश बनाता है। बाय प्रोफेशन शेफ रह चुका हूँ ताज होटल में। अच्छा ये शेफ भी रह चुके हैं भाई ताज होटल में? ये मेरा स्टार्टअप था। अच्छा जी ठीक, 390 का पिज़्ज़ा बैठा है, और वो जो ड्रिंक थे 110 रुपए के थे। रोड पे लगा कर चले गया कहीं टैक्सी वाला। मैं यहीं उतर गई, मैंने कहा फिर बाद में उधर से आना पड़ेगा गंगा जी के लिए। यहाँ खड़ा होना ना भारी हो रहा है क्योंकि मुंह पे रेत आ रही है। यहाँ हो चुका है प्रोग्राम, और ना इधर तो देखा ही नहीं जा रहा बिल्कुल ही, पर आप हवा देख सकते हो, घर ही जाना पड़ेगा। आप तूफान देख लीजिए, कुछ नहीं बोला जाएगा यहाँ पे। गायब अभी तो बहुत दिनों से,
दिखता ही नहीं है, हैं? ये दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ गायब रहता है। आंख आंख देखो इसकी कैसी दिख रही है देख ही नहीं रहा लाइट की तरफ चमक रही है अंधेरे में आंख। अरे 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 मस्ती आ रही है इसको, रानी है भाग के आओ तो पैरों में आ रही है, मैं उधर देखती आ रही थी। क्या बात है, हैं? तुम्हें रात को चैन नहीं है? वो रखा तो है दूध उसके अंदर। दिया बड़ी खुश हो रही है, कह रही है आज तो अपने से भी छोटा इंसान देख लिया नया नया कक्कर भाई। हाँ वो मैं उसके पास गई थी देख के ना, मैंने कहा चलो जा रही है तो हेलो किया, पर उसको शायद कुछ प्रॉब्लम है, बीमार है। वैसे तो पिज़्ज़ा खाने आई थी तेरी जैसी चटोरी होगी, उसने फ़ोटो नहीं खिंचवाई, पर एक्चुअली इसलिए नहीं खिंचवाई होगी ना कि सब आ जाएंगे तो। और पिज़्ज़ा जिस दिन अगर मैं गढ़वाली फूड करूँगी ना उस दिन इसको नहीं लेके जाऊँगी, पिज़्ज़ा इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल था जैसे गंगा व्यू कैफ़े का था वैसा नहीं था, है ना, ठीक था, मतलब बुरा भी नहीं था पर बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। हाँ गढ़वाली फूड बहुत अच्छा बता रहे हैं, और मैं गई गढ़वाली फूड के लिए थी, मैंने कहा मैं गढ़वाली फूड लूँगी और इसको पिज़्ज़ा वगैरह खिला दूँगी, लेकिन ये नहीं पता था कि दोपहर में मिलता है, मतलब आपको लंच में मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा, डिनर में नहीं मिलेगा। और अब फेमस तो है ही, जब नेहा कक्कड़ जैसी आ रही हैं तो जगह फेमस है ही वो, और पता नहीं क्यों मतलब बहुत रश था वहाँ पे, क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मुँह में ना मिट्टी जा रही थी इसलिए मैं भाग आई, ज़्यादा देर देख नहीं सकती, गंगा जी के किनारे बहुत ज़्यादा धुआं वो धूल उड़ रही थी और मेरे मुँह में पूरे में मिट्टी चली गई। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर की दीजिए। माता पिता ने तो पूरी जोर लगा रखा है बच्चों का, बच्चा भी लग गया था, माता अपने आप ही चली जाती है, वैसे माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे, पेड़ जरूर लगाए। और फूड व्लॉग भी इसलिए बना रहे हैं कि अब ट्रैवल चल लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर डिमांड करते हैं कहाँ खाना अच्छा मिलता है कहाँ नहीं मिलता, तो इसलिए अगर किसी को गढ़वाली फूड भी खाना है तो वहाँ ज़रूर जाके ट्राई कीजिए। लंच में पिज़्ज़ा तो मिल जाता है हर जगह ना, तो गढ़वाली फूड अगर ट्राई करना है, गढ़वाली फूड सच्ची में सुना है कि बहुत अच्छा है। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।